सुबह 5 बजे से लेकर पानी बहुत आ रहा, सारे कमरे छत तक पानी आया, आधा सामान उधर ही चले गया, आधा हमने निकाल के बाहर रखा। मुझे जवान लड़का भी गया एक्सीडेंट में, पति भी चले गया है, मुझे आईडी कोई तो मैं पैसे भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हम साथ चाहते हैं जना हमारे गरीबों पर इंसाफ किया जाए, हमारे बच्चों पर नेक नजर से देखा जाए, हम भी कहीं सिर छुपाने के लिए हमें जगह थोड़ी सी मिलनी चाहिए। जवान बच्चे है जना, एक लड़की की शादी है, कहाँ करेंगे सर शादी? एक जगह एक लड़की की शादी 20 दिन रह गए शादी का, कहाँ करेंगे सर शादी? दर दर ये देखो ये क्वार्टर गवर्नमेंट के क्वार्टर मिले सर, तो सर हम जाएंगे कहाँ? हम चाहते हैं डीसी साहब से एक अर्ज हमारी है, गरीबों पर इंसाफ की नजर करें। अभी हम डिस्ट्रिक्ट डोडा में मौजूद हैं, लगातार हम आपको सुबह जो है लाइव के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे थे। जिस तरीके से अगर हम पुल डोडा की बात करें तो ठीक 1987 के वक्त की अगर आप बात करेंगे तो 1987 में ऐसा एक तूफान आया था, यहाँ पर एक बस्ती होती थी, उस बस्ती को उजाड़ के ले लिया था। उसके बाद अगर हम आज 2023 की बात करें, आज भी ठीक वैसा ही तूफान आया है, मगर जब हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की तो वो तूफान जो है उस तूफान यानी 1987 के तूफान से काफ़ी ज़्यादा है जो इस बार आया है। इसमें बहुत सारे ऐसे घर हैं जो इस वक्त पानी के बहाव में आ गए हैं, यानी कि उन कुछ फैमिलीज़ को जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। इस वक्त यहाँ पर तहसीलदार डोडा हैं और बहुत सारे मौजूद हैं ऑफिसर जो इनको यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। ये सब जो मेरे साथ साथ देख रहे हैं ये वो फैमिलीज़ हैं। आपको बताना चाहेंगे जब एक घर इंसान बनाता है उसमें बहुत मेहनत लगती है, उस मेहनत के बाद जो है एक घर बनता है, जब वो घर उजड़ता है उसके बाद क्या हालात होते हैं वो वही जानता है, जब किसी के सर से आशियाना उठता है। तो ये हमारे साथ फैमिली है, इनसे जो है जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, इनसे जो है वो पूछेंगे ये कब हुआ और इनको जो है वो कब पता चला था, इनसे जो है जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप नाम क्या है? सारा बेगम। अब बताइए आपको कब पता चला कि जो पानी ऊपर आ गया उसमें आपका घर आ गया? जी 5 बजे से हमें पता चला पानी चढ़ रहा है। पानी चढ़ रहा है, हाँ। तो फिर आपने क्या किया? बस हम कोशिश लगे करने, बच्चों को बचाने और खुद की कोशिश हम बचाने की कर रहे थे, सामान बचा रहे थे, हमें इतना पता नहीं कि इतना पानी चढ़ जाएगा, लेकिन अचानक पानी चढ़ गया। तो जो आपका सामान था इसमें वो सामान बह गया, क्या हो गया? नहीं सामान नहीं बह, लेकिन हम खुद कर रहे थे कोशिश खुद को बचाने के लिए, सामान को भी उतनी टेंशन सामान की, लेकिन खुद के हमें बच्चे थे छोटे छोटे, हमें बड़ी टेंशन हो रही थी बच्चों की। जाहिदा बेगम। जाहिदा जी आप मुझे बताइए आपको कब पता चला? सुबह थोड़ा पानी दरवाजे से थोड़ा नीचे था हमारा, अभी हम सुबह 5 बजे से लेकर पानी बहुत आ रहा, सारे कमरे छत तक पानी आया, आधा सामान उधर ही चले गया, आधा हमने निकाल के बाहर रखा। मुझे जवान लड़का भी गया एक्सीडेंट में, पति भी चले गया है, मुझे आईडी कोई तो मैं पैसे भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो अब क्या करूँ मैं? कुछ भी नहीं है मेरे पास, कोई बच्चे भी मुलाजिम नहीं है, 2 लड़के हैं मेरे पास, 4 लड़कियां हैं जवान लड़के, उनकी तो मैंने शादी कर ली, अब 2 लड़के हैं जवान, ये 18 साल तक वो पहुँचने वाले, वो अभी 2-3 महीने कम, और अब है ही नहीं कि जगह, हम किराया भी नहीं दे सकते, किराया दे सकते हम तो फिर हम बैठते क्यों दरिया के किनारे? ये गवर्नमेंट ने इनको मुआवजा दिया है, जिनको मुआवजा दिया मकान मालिकों को, वो चले गए, हमने खोले दरवाजे, हम बैठ गए, हमें बैठने के लिए जगह नहीं थी, बारिश में बाहर सामान था, हमने खोले दरवाजे, सफाई उफाई की, हम बैठ गए, क्या पता अब कब वो गवर्नमेंट बोल रहे गवर्नमेंट भी आएगी, वो भी निकालेगी आपको, अभी हम अगर नीचे कहीं भी कमरा मिलेगा वहां से कल परसों और निकालेंगे, तो ऊपरी के में ये देखो सामान इधर बाहर रखा मैंने, एक गाड़ी भर के सामान है नीचे, ट्रक भर के सामान नीचे पानी में है, अभी वो कब निकालूंगी? कितनी दिक्कत आती है जब इंसान एक घर बनाता है, उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत से वो घर बनाता है, उसके बाद जब वो घर जमीन भी नहीं, जमीन भी नहीं है, कहीं जमीन होती है, कहीं कमरा किराया देने के लिए अब मुलाजिम होते, कोई लड़के यहाँ पति होता, हम क्यों बैठते पानी में? मजबूरी है तभी तो ये इतने घर ये सब ऐसे, ये भी बेचारी रंडी है, बेवा ये भी है, बेवा में भी है, तो कहाँ बैठेंगे हम? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सादिक है। जो है वो मकान पानी में पानी की आड़ में आया है, क्या नुकसान हुआ आपको बताइए? नुकसान तो बहुत है जनाब, मेरी बीवी है जो इसने बोला वो हकीकत है सब, इतने अरसे से हम इन डी साहब के पास कई अफसरों के पास जा रहे हैं कि हमारा इंतज़ाम करो, 15-20 साल हो गया सब इस बात का, कोई गवर्नमेंट हमारी सुनती नहीं है, तो वहाँ तक पहुँचने नहीं देते हैं, बस यही कहते हैं भाई आज कल आपको ज़मीनें मिलेंगी, तो ज़मीन देने की कोई बात है ही नहीं, हमारे लिए इंतज़ाम होता सर हम इधर उधर क्यों होते, हम इधर बेघर क्यों होते जनाब? ये तो हमारा घर टूटा था पुराना, इधर से जाकर हम जनाब ऊपर हमसाए हमारे उन्होंने मकान छोड़ दिए, हम ज़बरदस्ती घुस कर वो सफाई वो की, हमने गंदगी दूर कर बैठ गए, हम इतना अरसे से हम जनाब दरबदर हैं। आपको कब चला पता? पानी का पता सर बड़े दिन का पता चल रहा है जनाब,
कितने दिन से बारिश हो रही है ये इधर जनाब? आप करीबन एक बारिश आई थी, उस वक्त भी पानी ऊपर आया था, उसके बाद दूसरी बारी बारिश आई तो और पानी आ गया। ये पानी जो दूसरी बारिश आई सर, ये पानी जबरदस्त आ गया। हमें जनाब कल के पीछे हमें पता है कि पानी ऊपर आ रहा है, तो कोई गवर्नमेंट नहीं आई, कुछ नहीं आई सर, क्या करते हैं? अपील क्या करना चाहेंगे? हम चाहते हैं जना हमारे गरीबों पर इंसाफ किया जाए, हमारे बच्चों पर नेक नजर से देखा जाए। हम भी कहीं सिर छुपाने के लिए हमें जगह थोड़ी सी मिलनी चाहिए। जवान बच्चे है जनाब, एक लड़की की शादी है, कहाँ करेंगे सर शादी? एक जगह एक लड़की की शादी, 20 दिन रह गए शादी का, कहाँ करेंगे सर शादी? दर दर ये देखो ये क्वार्टर गवर्नमेंट के क्वार्टर मिले सर, तो सर हम जाएंगे कहाँ? हम चाहते हैं डीसी साहब से एक अर्ज हमारी है, गरीबों पर इंसाफ की नजर करें। ये सब माँ बहने हमारी कोई बेवा है कि कुछ है, कोई इंतजाम हमारे पास, तो मुआवजा भी घट मिला सर। जिनको मुआवजा मिला वो चले गए जनाब, चलाक लोग, वो चतरी लोग थे, उनके की पहुंचे लंबी थी, हमारी पहुंच लंबी नहीं थी सर, तो इसके वजह से सर हम पीछे रह गए। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं जना हमारे पर इंसाफ हो जाए, हमारी बच्चियों की भी शादी हो जाए। मायते कहाँ से लेनी है सर? मायते के लिए जगह नहीं है, कल मायते का रास्ता नहीं है, पानी ले देखो पानी है इधर से, पानी सब डैमेज हो गई, जगह पानी हमारा टूट गया, कहाँ से पियेंगे सर? मुझे बताइए जिस तरीके से हम आपके घर पे नीचे आए, जिस तरीके से पानी जो है वो इस टाइम पूरी तरीके से ऊपर आया है, ये कब जैसे आपको पता चला इसके बारे में? जी आपने देखा ना, सुबह 5 से 5:15 तो थोड़ा रेज हो रहा था, थोड़ा आ रहा था अभी अंदर नहीं, मतलब नीचे से, तो मुझे आइडिया हो गया शायद ये ऊपर बारिश बहुत थी, तो बच्चे सोए हुए थे अंदर, तो 5:30 के करीब मैंने उनको आवाजें मार के जगाया, हाथ पकड़ के खींचा, जब तक मैंने उनके दो तलाइयां पकड़ी तब तक पानी काफी ऊपर हो गया। बस बमुश्किल बच्चों को लाया, जो दो कमरों का सामान था पूरा भरा हुआ वो सब बह गया। फिर मले वाले आए, उन्होंने देखा हमारा जो भी था सामान वो बह गया। जो ऊपरले दो छत हैं, दो कमरे जो ऊपर हैं दूसरे, उनसे अभी हमने कुछ थोड़ा बहुत निकाला है, अब कहाँ रखें, कुछ बाहर छत पर है, कोई किसी के बरामदे में है, मतलब मुसीबत ये हो गई। कितनी दिक्कत आती है, इंसान जो है बड़ी मेहनत के बावजूद मकान बनाता है, उसके बाद अचानक से तूफान आया, तो फिर अचानक। आप मुझे बताएं, आपको याद है जो इससे पहले तूफान आया था वो लगभग 88 के करीब आया था, तो उससे ज्यादा ये आया है कि उससे ज्यादा है 88 में आया था, तब तो ये डैम वैम था ही नहीं, और उस टाइम मार्केट नीचे है बहुत, रोड है, रोड के अगली साइड मार्केट थी, अगली मार्केट जो थी अगली फ्रंट साइड, तो उसमें हुआ था 88 के बाद। आज अचानक हमने ये देखा कि सभी घरों का बेचारों को सामान टूटा फूटा, भाग के ही जान बचाई सबने, अपने अपनी जाने बचाई। बाकी अपील क्या करना चाहिए? अपील तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहेंगे कि जो जितने यहाँ गरीब कुंभ अम्र 10-12 घर पानी में है, इनको कहीं सेफ जगह दी जाए, मकानों की 4-5 मरले भी हों तो चलो कुछ करके हम थोड़ा अपने शेड वेड बना लें, तो यहाँ से हमेशा के लिए निकल जाए, इसका तो आगे भी खतरा रहेगा। तो ये सब जो हमारे साथ थे ये यहीं के वो लोग हैं, जिस तरीके से हमने आपको बताया कि किस तरीके से हमने आपको सुबह लाइव के माध्यम से दिखाने की कोशिश की थी कि किस तरीके से पानी का फ्लो जो है वो ऊपर आ रहा है, उसके चलते बहुत सारे लोगों के जो घर है वो इस आड़ में आ रहे हैं। ठीक 1988 में ऐसा ही एक तूफ़ान आया था, उस तूफ़ान में ये पूरी जो है ये बस्ती बह गई थी। यहाँ से जम्मू के लिए रोड हुआ करती थी, यहाँ से शॉप्स हुआ करते थे, बहुत बड़ी एक मार्केट हुआ करती थी अगर आपको याद होगा तो उस टाइम की, और इस वक्त जब हम स्पॉट पर यहाँ पर पहुँचे हैं तो इसमें से कम बहुत सारे घर हैं जो इस वक्त आड़ में आ गए, उसमें लगभग जो है 6 से ज़्यादा फैमिलीज़ को अभी तक शिफ्ट कर दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और खुद डिप्टी कमिश्नर डोडा जो है वो अभी मौके पे यहाँ पर आ रहे हैं, सुबह से ही वो पूरे तरीके से जो है वो गश्त करें। लोगों की यही अपील है कि हमें कहीं ना कहीं जो है अब रहने के लिए ज़्यादा नहीं तो 3-4 मरले जो है वो दिए जाएँ, तो ताकि हम लोग किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाए। अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है पानी का फ्लो और बढ़ रहा है, हमने इन लोगों से बातचीत की है, इन लोगों का जो है कि कहना वो बिल्कुल सही है, हम जानते हैं जो इस वक्त इनके दिल पे बीत रही है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि घर बनाते बनाते जो है वो पूरी उम्र लग जाती है, मगर जब एक तूफान आया है उसमें इनकी पूरी बस्ती जो है उजड़ गई है। आपकी राय क्या होगी इस सब पे? आप अपनी राय भी हमारे कमेंट में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहे स्टेट टाइम्स।